तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 83 ऑफ द रियल सुपर फैक्ट्स। तो आज मेरे पास स्पाइडरमैन 4 मून नाइट सीजन 2 और डीसी के एक एक्टर का स्नाइडरवर्स को नेटफ्लिक्स को सेल करने का सपोर्ट तक की अपडेट्स है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट है केविन फेगी से रिलेटेड, जहां उन्होंने एक इंटरव्यू में बात करते हुए एमसीयू के कई सारे मूवीज और सीरीज के बारे में अपडेट दी है। तो अभी एक एक करके उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जहां उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मूवी में हैरिसन फोर्ड के थंडरबोल्ट रॉस यानी जनरल रॉस यूएस के प्रेसिडेंट होने वाले हैं। जब फैंटास्टिक फोर मूवी एमसीयू की एक बड़े लेवल की मूवी होने के साथ फैंस को इस मूवी के रिगार्डिंग कई सारी चीजों के बारे में बहुत ही जल्द पता चलेगा। आगे डिज्नी प्लस होस्ट पर बात करते हुए उन्होंने इनडायरेक्टली कंफर्म कर दिया है कि एमसीयू के फेज 5 और 6 में क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ कम शोज को दिखाया जाने वाला है, जिससे कि हर एक शो को शाइन करने का मौका मिले। और साथ ही उन्होंने बोला है कि अपकमिंग द मार्वल्स मूवी में मिस मार्वल का कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने के साथ वही इस मूवी में सबसे ज्यादा शाइन करने वाला है। आगे थंडरबोल्ट मूवी पर उन्होंने बोला है कि इस मूवी में सेबेस्टियन स्टैन का बकी बार्न्स का कैरेक्टर एक डिफैक्टो लीडर होने वाला है। आगे स्पाइडरमैन 4 मूवी के अपडेट देते हुए उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इस मूवी के रिगार्डिंग उनके पास कई सारे आइडियाज होने के साथ उनके पास इसकी स्टोरी भी अवेलेबल है, जिसको लिखने का काम अभी स्टार्ट किया जा चुका है। इसी के साथ मूनलाइट सीरीज पर बात करते हुए उन्होंने रिवील किया है कि जिस तरह से इस सीरीज को बनाया गया है उससे इसके मेन कैरेक्टर मूनलाइट का एमसीयू के आगे के फ्यूचर्स में प्लान किया जाने वाला है। और आगे डेडपूल 3 मूवी पर उन्होंने बोला है कि वो एमसीयू की पहले डेडपूल मूवी में ह्यूज जैकमैन को एज अ वुल्वरीन वापस पाकर बहुत खुश है। जब डेडपूल 3 मूवी एमसीयू की पहली आर रेटेड मूवी होने वाली है। डेडपूल 3 की बात हुई है तो डेडपूल एक्टर रायन रेनॉल्ड्स ने इस मूवी में ऐड की गई नई कास्ट को कंफर्म कर दिया है, जहां उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए कंफर्म कर दिया है कि डेडपूल 3 मूवी में इमा कॉरिन को किसी अन्य रोल में कास्ट किया गया है। जहां उनकी इस कास्टिंग से फैंस अभी ये सोच रहे हैं कि वो डेडपूल 3 मूवी में एक्समैन विलन डेंजर का कैरेक्टर प्ले करने वाली है। इसी के साथ व्हाट इफ शो से कैप्टन कार्टर के कैरेक्टर के कुछ फंप अप सामने आए हैं, जहां कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अपकमिंग व्हाट इफ सीजन 2 में कैप्टन कार्टर का ये लुक होने वाला है। अगले अपडेट है एंटमैन 3 मूवी से रिलेटेड, जहां इस मूवी का फर्स्ट क्रिटिक्स रिव्यू रिएक्शन सामने आया है, जिनकी माने तो इस मूवी में दो पोस्ट क्रेडिट सीन होने के साथ वो दोनों एकदम ही वाइल्ड और क्रेजी होने वाले हैं। जहां मैं कुछ क्रिटिक्स के ट्वीट्स अभी जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हो। साथ ही इस मूवी की अर्ली रोटेन टोमेटो रेटिंग सामने आई है, जहां जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक इसकी 132 रिव्यूज के साथ 53% रोटेन टोमेटो रेटिंग है, जो कि बहुत ही कम मानी जा रही है। इसी के साथ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी से ग्रूट के कैरेक्टर का एक फंपोपॉप सामने आया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इस मूवी में ग्रूट को विंग के साथ दिखाया जाने वाला है। अगले अपडेट की बात करें तो क्रिस हेम्सवर्थ ने एंटमैन 3 मूवी में दिखाए गए कैंग के इस क्लिप, जिसमें वो बोलता है कि यू आर नॉट द वन विद द हैमर। इस पर रिएक्ट करते हुए अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी से एक क्लिप शेयर की थी, जिसमें थॉर बोलता है कि ही इज नेवर फॉट मी ट्वाइस। अभी कुछ डीसी मूवीज के अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जहां फैंस टू फैंस अभी जैक स्नाइडर जस्टिस लीग मूवी के एक एक्टर ने सेल स्नाइडरवर्स टू नेटफ्लिक्स हैशटैग को सपोर्ट किया है। जहां स्नाइडरवर्स एक्टर वाइन टी कैर ने उनके ट्विटर पर इस फोटो को शेयर किया था, जिसमें उन्होंने सेल स्नाइडरवर्स टू नेटफ्लिक्स ऐसा एक हैशटैग ट्वीट करने के साथ एक और ट्वीट करके जस्टिस लीग के इस फोटो के साथ स्नाइडरवर्स के राइट्स नेटफ्लिक्स को सेल करने का सपोर्ट किया है। जहां कुछ ही दिन पहले इसी चीज पर जेम्स गन ने भी रिएक्ट किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसे एक बार जरूर देख लेना, मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। जब उनकी बात हुई है तो उन्होंने एक ट्वीट के साथ कंफर्म कर दिया है कि पीसमेकर सीजन 2 को उनके नए डीसीयू की अमंडा वालर सीरीज के बाद स्ट्रीम किया जाने वाला है। इसी के साथ जोकर 2 मूवी से लेडी गागा के हार्ली क्विन के कैरेक्टर का एक क्लियर लुक सामने आने के साथ तो फ्लैश मूवी से माइकल कीटन के ब्रूस वेन का एक क्लियर लुक सामने आया है। आगे कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी एक फ्री स्ट्रीमिंग सर्विस को बाय द नेम ऑफ वार्नर ब्रदर्स टीवी नाम से लॉन्च करने वाले हैं। तो बस यार आज के लिए बस इतनी अपडेट थी पूरे मार्वल और डीसी मूवीज को लेकर। आई होप सो कि आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।